फ्रेंड्स वेलकम टू माय किचन हम डालेंगे एक टेबल स्पून ऑयल तेल इसमें डालेंगे एक लहसन की कली वन गार्लिक के अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप गाजर एक चौथाई कप बेबी कॉर्न एक चौथाई कप प्याज वन बाय फोर कप बेबी कॉर्न वन बाय फोर कप कैरेट वन बाय फोर कप ऑनियन सारी चीज़ों को हम पाँच मिनट तक भून लेंगे लो गैस पे ऐसे भून लें सारी सब्जियों को पाँच मिनट तक लो फ्लेम पे इसे ज़्यादा ना भूने और इसे कम भी ना भूने अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल स्टॉक ये आपको बाज़ार में मिल जाएगी ये वेजिटेबल स्टॉक ज़रूर डालें इससे अच्छा टेस्ट आता है और इसमें आप नमक चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि वेजिटेबल स्टॉक में नमक भी होता है चीनी भी होती है अब हम इसे उबलने देंगे बॉयल आने देंगे सारी सब्जियां पकेंगी दो टेबल स्पून तेल डालें इसमें हम डालेंगे एक प्याज फिंगर्स में कटी हुई अब हम इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे ओनियन को प्याज को सुर्ख सुनहरा कर लेना है मीडियम फ्लेम पे ये हम गार्निश करेंगे ऊपर ये इसमें उबाल आ गया है अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर वन बाय फोर टी स्पून टर्मरिक हाफ टी स्पून करिंडा पाउडर ये ज़रूर डालिएगा इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मस्ट हैं तभी फ्लेवर आएगा इसमें डालेंगे हम वन बाय थ्री कप कोकोनट मिल्क इससे ज़्यादा कोकोनट मिल्क ना डालें क्योंकि फिर सारी कड़ी में टेस्ट कोकोनट का आता है हमें वेजिटेबल स्टॉक जितनी लेनी है उससे कम बिल्कुल उसके वन बाय थ्री हिस्से तक हमें कोकोनट मिल्क लेना है तो मैंने दो कप वेजिटेबल स्टॉक इस्तेमाल किए और वन बाय थ्री कप कोकोनट मिल्क ऑनियन गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है और अब हम कड़ी में एक पैकेट मैगी नूडल्स डाल देंगे मैगी का मसाला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे सिर्फ़ उसकी नूडल्स इस्तेमाल करेंगे मसाला आप किसी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लीजिएगा तो ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब चिल्ली ऑयल बनाते हैं उसके लिए वन टेबल ऑयल इसमें डालेंगे वन टी स्पून फ्लेक्स टू टेबल स्पून पीनट्स दो टेबल स्पून मूँगफली इसको सिर्फ़ तीस सेकंड के लिए फ़्राई करें ये देखें फ़ौर से कलर आ गया पीनट्स भी रोस्टेड थे तो ये वैसे इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है ये तेल तैयार है इसे चूल्हे से हटा दें नूडल्स पक गई हैं तो अब हम इसमें सिर्फ चुटकी नमक डालेंगे यहाँ नमक हसबे ज़ायका तो मैं सिर्फ चुटकी नमक डाल रही हूँ बाकी इसमें सॉल्ट और चीनी वेजिटेबल स्टॉक में अपनी पहले से ही है अब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ओनियन मतलब ग्रीन ओनियन दो टेबल स्पून हरा प्याज डालेंगे हम इसमें दो टेबल स्पून नूडल्स पक गई हैं और ये सूप ही रहेगा इसे ड्राई नहीं करना है क्योंकि असली फ्लेवर इसकी कड़ी का आता है और ऊपर जो तेल तैरता है वो तेल तैर नहीं दें उससे अच्छा फ्लेवर आता है अब हम इसको सर्व करते हैं बाउल में तो पहले हम नूडल्स डालेंगे बाउल में उसके ऊपर सूप डालेंगे और फिर चिली ऑयल पीनट वाला और उसके अलावा ओनियन्स जो हमने फ्राई किए हैं उससे गार्निश करेंगे तो ये नूडल्स में और सूप में इसमें डाल देती हूँ दूसरा चम्मच लिया है मैंने तो ये देखें ज़बरदस्त बनता है ज़रूर ट्राई करिएगा आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी तो ये हम इसमें डाल देते हैं सूप देखें कितना ज़बरदस्त है कलर देखें हल्दी की वजह से कितना अच्छा आया है ठीक है तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे चिली ऑयल डालें चिली पीनट ऑयल ये भी ज़रूर बनाइएगा इससे भी अच्छा टेस्ट आता है चिली ऑयल के चिली पीनट ऑयल के बगैर तो ये खौसे बन ही नहीं सकते और ये बर्मीज़ की रेसिपी है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्राई किए हुए गोल्डन ब्राउन ऑनियंस जो हमने फ्राई किए थे तो ये तैयार है खाएं इंजॉय करें थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब योर व्यूज़ मैटर से लॉड प्रेस बेल आइकन बटन घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में अपना ख्याल रखें और बताएं कि अगली वीडियो में आपके लिए कौन सी बनाऊं थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से चिली ऑयल और, और फ्राइड ऑनियन कम ज़्यादा कर सकते हैं थैंक यू